हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कोड इंटर्न। नाम निशांत सहार। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं थोड़े एडवांस्ड पैटर्न्स के बारे में। लास्ट वाली वीडियो में हमने ये सारे पैटर्न्स किए थे, तुम्हें याद होगा, एंड तुम्हें एक होमवर्क दिया था मैंने। सबसे पहले इसी वाले जो होमवर्क को हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं, जो पैटर्न वाला होमवर्क है, इसमें मैं क्या दे रखा है, इसमें मैं ऐसे पैटर्न दे रखा है, एक ऐसे में एक स्टार का पैटर्न दे रखा है। ये एक बार ऐसे आ गया और एक बार ही सेम ऐसे ही नीचे भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम दो मतलब सिंपल सीधा सीधा कर सकते हैं इसे। पहले हम इसका जो अपवर्ड वाला ट्रायंगल है वो प्रिंट करके देखते हैं, वो वाला हो गया तो फिर हम इसका लोअर वाला भी प्रिंट कर देंगे, ठीक है। दो पार्ट्स में बेसिकली डिवाइडेड है, चार में करने की हमें जरूरत ही नहीं है। एक अपर में डिवाइड करना है, एक लोअर में डिवाइड करना है। तुम देखो इसको, अगर हम इसको ऐसे लिखें यहाँ पे भी, एक स्टार, दो स्टार, तीन स्टार, ठीक है, ये हमारा पैटर्न है। इसको हम अगर ब्रेक डाउन करके देखें, तुम ये देखो कि यहाँ पे एक गैप आ रहा है, यहाँ पे दो गैप्स आ रहे हैं, यहाँ पे तीन स्पेसेस आ रहे हैं, यहाँ पे चार स्पेसेस आ रही हैं। इससे हमें एक चीज़ समझ आ रही है कि जो स्टार्टिंग में है ना हमारे, अगर ये फाइव रोज़ वाला है तो फाइव रोज़ वाले में स्टार्टिंग में जो हमें मिल रहा है, हमें यहाँ पे चार गैप्स मिल रहे हैं, तो वो हो गया रो माइनस वन। सिमिलरली हम एक और बना के देख लेते हैं, अगर हम इसको फाइव की जगह फोर रोज़ का बनाते हैं तो क्या होता है, ठीक है। हमने फोर रोज़ का बनाया, तुम यहाँ देखो, एक गैप, दो गैप, तीन गैप, तीन स्पेसेस। तो जो स्टार्टिंग में हमेशा स्पेसेस हो रहे हैं वो हो रहे हैं तुम्हारे रो माइनस वन, और ये एक एक करके कम होते जा रहे हैं। हमें इससे एक चीज़ समझ आ गई कि हमें कितनी स्पेसेस प्रिंट करनी है, और स्पेसेस के बाद बस अपने ये अपने क्या कहते हैं स्टार्स प्रिंट करते जाना, सिंपल है। और हर रो में कितने स्टार्स प्रिंट करने हैं, तो तुम्हारा रो का नंबर ऐसे जीरो है, वन है, ये टू है, ये थ्री है, तो इसमें क्या करना है, जीरो प्लस वन, वन प्लस वन, टू प्लस वन, थ्री प्लस वन, सिंपल सीधा यही है। जैसे जीरो प्लस वन, यहाँ वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिंपल सीधा। तो इसका पहले ऊपर वाला रो, ऊपर वाला ट्रायंगल प्रिंट करते हैं, फिर नीचे वाला करेंगे, ठीक है। हमारे को आर गिवन है, हम क्या करते हैं, आप एक वेरिएबल स्पेसेस डिफाइन कर लेते हैं, जो इनिशियली हमारा होगा रो माइनस वन। फिर हम क्या करते हैं, फॉर लूप में जाते हैं, आई इक्वल्स टू जीरो, आई इज लेस देन रोज कोमा आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना दूसरा लूप लिखेंगे, इसमें हम जे में ट्रावर्स कर रहे होंगे। पहले हम स्पेसेस प्रिंट करेंगे, तो जे को जीरो स्टार्ट करेंगे, जे इज लेस देन स्पेसेस कोमा जे प्लस प्लस, अपना हो गया इतना। बस यहाँ पे क्या करना है, मैं जाके स्पेस प्रिंट कर देनी है, काम खत्म। नेक्स्ट क्या करना है, मैं अपने स्टार प्रिंट करने हैं। हमने बोला जे इज इक्वल्स टू जीरो, और तुम्हारा जब तक जे इज लेस देन इक्वल टू आई कॉमा जे प्लस प्लस, या तो हम इसे इक्वल टू आई कर सकते हैं, या फिर इसको सीधा आई प्लस वन कर सकते हैं, दोनों सेम ही चीज़ होती हैं। तो हम क्या करेंगे, जब तक आई प्लस वन से छोटा, हम क्या करेंगे, सी आउट तुम्हारा, यहाँ पर हम कर देंगे स्टार, और उसके बाद दे देंगे हम एक स्पेस, इसके बाद कर देंगे हम सी आउट एंडल, और सी आउट एंडल के बाद करेंगे स्पेसेस माइनस माइनस। स्पेसेस माइनस माइनस क्यों किया, क्योंकि तुम यहाँ पे देख सकते हो हर बारी एक स्पेस कम होती जा रही है, ये करने के लिए हमने स्पेसेस को माइनस माइनस कर दिया। अब इसको हम करते हैं कंपाइल, और इसको हम करते हैं प्रिंट। तुम देखो अपना अपर वाला ट्राइंगल मस्त जैसा हमें प्रिंट करना था वैसे स्टार से प्रिंट हो गया, एकदम मस्त लग रहा है। अब हमें करना है इसका लोअर वाला ट्रायंगल प्रिंट। लोअर वाले ट्रायंगल में कैच है कि ये हमारी जो रोज है ना वो तुम्हारी है एन रो माइनस वन, एन माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे पांच तो पहले आ गया, अब यहाँ पे क्या आएगा, चार आएगा, राइट, फिर यहाँ तीन आएगा, फिर यहाँ दो आएगा, और यहाँ पे एक आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी देखोगे चार तो पाँच तो चार तो आई रखा है, तीन आएगा, दो आएगा और एक आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे रो माइनस वन से उल्टा ट्रायंगल प्रिंट करना स्टार्ट करना है। अब उल्टे ट्रायंगल में तुम देखोगे जो स्पेसेस होंगी तुम्हारी, जो स्टार्टिंग में तुम्हारी स्पेस है वो एक है, फिर दो है, फिर तीन है, फिर चार है, ठीक है। सेम रो माइनस वन की स्पेसेस तक हमें जाना है। तो रो माइनस वन की स्पेसेस तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम सीधा जाएंगे, बोलेंगे यार पहले तो स्पेसेस को तुम स्टार्ट करो अपने वन से, बिकॉज एक से हमें स्टार्ट करना है, जीरो से स्टार्ट नहीं करना है। एक स्पेस से हमने स्टार्ट किया, उसके बाद क्या करना है, फॉर लूप जाना है अपना, आई इज इक्वल्स टू, अब जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं, रो माइनस वन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इनिशियलाइज रो माइनस वन से करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू जब तक ये जीरो है, जब तक जीरो ग्रेटर देन जीरो है जब तक ये करना है हमें। इसे कुछ गलती होगी तो हम इसको अपना जब आइट्रेट कर रहे होंगे तो उसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। अब फिर से हमें क्या करना है, जे इज इक्वल टू जीरो कोमा जे इज लेस देन स्पेसेस कोमा जे प्लस प्लस, ठीक है। और हमें उसके बाद क्या करना है, सी आउट स्पेस कर देना है, और फिर हमें जाना है अपना स्टार को प्रिंट करने के लिए। इंट तुम्हारा जे इज इक्वल्स टू जीरो कॉमा जे इज लेस देन तुम्हारा आई कॉमा जे प्लस प्लस, सीधा प्रिंट कर देना है यहाँ पे अपने जे को, जे को निकलना स्टार प्रिंट करना है,
इसके स्पेस के साथ, उसके बाद करना है सी आउट एंड एल, और उसके बाद स्पेसेस प्लस प्लस क्योंकि उल्टे जाते टाइम हमारी स्पेस एक 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 करके बढ़ती जाती है, बस हमें स्पेसेस प्लस प्लस कर देना है, इसको फिर से कंपाइल करके देखना है और अपना ये चल जाएगा 5। ओ इन्फाइनाइट लूप लगा दिया हमने, आई को माइनस माइनस करना था प्लस प्लस कर रहे हैं तो चलता ही जा रहा चलता है, ये इन्फाइनाइट लूप होता है। हमने गलती से इन्फाइनाइट लूप चला दिया बिना तुम्हें समझाए, तो इसको एक बार जल्दी से क्लियर कर देते हैं। तुम देखोगे अपना 5 का यहाँ पे मस्त सा स्टार प्रिंट हो चुका है। कुछ नहीं किया हमने, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम को दो पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमने ब्रेक डाउन किया कि कैसे इसको हम प्रिंट कर सकते हैं और उसको प्रिंट कर दिया। आई होप तुम्हें वाला समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वाले पैटर्न पे मूव ऑन करते हैं। अब नेक्स्ट जो अपना पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है स्टार वाले से, इसमें क्या बस ये प्रिंट कर रहे होंगे 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। कुछ नहीं करेंगे, पुराने वाले में चेंज कर लेते हैं, बस हमें यहाँ पे डिजिट्स प्रिंट करनी है। अब तुम देखो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, पहले वही सेम स्पेसेस वाला कॉन्सेप्ट है अपना, 4 स्पेसेस आ रही हैं, फिर 3 आ रही हैं, फिर 2 आ रही हैं, फिर 1 आ रही है, ठीक है। इसके बाद बस नंबर्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे, 0 इंडेक्स पे 0 प्लस 1 हो रहा है, 0th इंडेक्स पे 0 प्लस 1 हो रहा है, दूसरे पे 0 1 प्लस 1 हो रहा है, तीसरे पे 2 प्लस 1 हो रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है। और बस हमें स्टार की जगह डिजिट प्रिंट कर देने, तो क्या करते हैं इसी में चेंज करके देखते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं, इसको कर देते हैं कमेंट, ठीक है। और इसके आगे हम कर देते हैं अब यहाँ पे चेंजेस। तो अब यहाँ पे हमारा जे 0 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जे प्लस 1 लिखना पड़ेगा और एक स्पेस डाल देनी पड़ेगी, बाकी सब हमारा एज इट इज़ रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। तो मैं जल्दी से करके दिखा देता हूँ, कोई मैजिक नहीं है ये। और तुम देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मस्त अपना ये प्रिंट हो गया। और इसको अगर हमें डबल पैटर्न प्रिंट करना है तो भी सेम ही चीज़ हो रही होगी, कुछ ऐसे अलग नहीं हो रहा होगा, यहाँ थोड़ा सा चेंज हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमारा सेम ही हो रहा होगा, जे प्लस 1 करेंगे और इसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पे स्पेस, इसको प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट हो गया। अरे बहुत आसान होता है, कुछ नहीं होता, प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करो पीसीज में और उसके बाद उसको ट्राई करो, अटेम्प्ट करो, हो जाता है, ठीक है। एक लास्ट और कर लेते हैं फिर तुम्हारा पैटर्न वाला काफ़ी मेरे को लग रहा है कि तुम्हें समझ आ जाएगा। जितने पैटर्न्स कराए हैं सारे खुद तुम एक बार होमवर्क करके देख लेना, खुद कोड करके और देख लेना कि कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं। एक ये थोड़ा डिफरेंट सा पैटर्न है, ये वाला प्रिंट करके देखते हैं, 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। ये क्या हो रहा हमारा, 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4। यहाँ देखेंगे हम जितने भी तुम्हारे यहाँ पे इवन है ना, जैसे 0 प्लस 0 इज इवन, 1 प्लस 1 इज 2, ठीक है, 0 प्लस 1 इज 1, ठीक है, 0,0 है ये तुम्हारा 0,1 है, ये तुम्हारा 1,0 है, ठीक है, 2,0 है, 3,0 है, 4,0 है, राइट। ऐसे तुम देखोगे तो जहाँ पे भी इन दोनों का सम, तुम्हारा रो प्लस कॉलम का जो सम है, अगर दैट इज इक्वल्स टू इवन, तुम क्या प्रिंट कर रहे हैं, 1 प्रिंट कर देना है। और अगर रो प्लस कॉलम का सम इस तुम्हारा ऑड, तो हम क्या कर रहे हैं, 0 प्रिंट कर दे रहे हैं, राइट। बहुत ही ईजी है, ठीक है। ब्रेक डाउन कर लिया हमने प्रॉब्लम को, हमें बस यही करना है कि हमें सारी प्रॉब्लम्स को ना ब्रेक डाउन करना होता है, सोचना होता है कि यार इसमें क्या पैटर्न दिख रहा है हमें, ये मेरे को दिख गया पैटर्न क्या, मैंने इसके इंडेक्सेस लिखे सबके, इंडेक्सेस लिखने के बाद मैंने इनको सम करके देखा, तो यार ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है, ऐसी चीज़ तो हो सकती है, तो बस भाई ट्राई करके देख लिया, कोड भी कर देते जल्दी, क्या दिक्कत है। हमने अपना रो ले लिया, इसमें हमें कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, वैसे रो से ही हो जाएगा हमारा काम। क्या करेंगे, फॉर इंट ऑफ आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन रोज कॉमा आई प्लस प्लस। सब में हमने दो लूप्स लगाए, नेस्टेड लूप्स वाला कॉन्सेप्ट लगाया है हमने सब जगह, तो आई थिंक तुम्हारे लूप्स और तुम्हारे कंडीशंस और तुम्हारे ऑपरेटर्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गए होंगे ये सारी चीज़ें करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम बस चेक करेंगे, अब दूसरा में चाहिए जे, जे को हम आई तक ही ले जा रहे हैं, आई प्लस आई तक ही ले जा रहे हैं, मतलब 0th पे 0 प्लस 1, राइट। तो जी लेस देन इक्वल टू और आई प्लस 1 सेम ही चीज़ होते हैं, क्योंकि एक पहले तक चलता है अगर तुम लेस देन लगाते हो, और अगर तुम्हें उस नंबर तक चलाना है तो जैसे 0 है तो 0 प्लस 1 टाइम्स चलाना है, तो 0 तक, क्योंकि 0 इज इक्वल डबल इक्वल टू 0 होता है, राइट। तो वो इस कंडीशन को जब तक सेटिस्फाई कर देगा तब तक चलाना है, तो हम ये कर देते हैं, बट सिंपलिसिटी के लिए 0 प्लस 1 कर देते हैं, तो ये लेस देन 1 तक चलेगा पहली बारी में, और इसको हम कर देते हैं जे प्लस प्लस। हमें क्या करना है, अब हमें देखना है इफ़ आई प्लस जे, एक और ब्रैकेट चाहिए होगा, आई प्लस जे की जो तुम्हारी वैल्यू है
अगर मॉड 2 इज डबल इक्वल्स टू 0, अगर ये तुम्हारी इवन है तो हम क्या करेंगे, इवन पे हमें क्या करना था, इवन पे हमें 1 प्रिंट कर देना था, हम क्या करेंगे सी आउट 1 कर देंगे, उसके बाद लगा देंगे स्पेस, एल्स ऐसा नहीं है अगर तो हम क्या करेंगे सी आउट 0 कर देंगे, उसके आगे लगा देंगे हम स्पेस और बस काम ख़त्म। ज़्यादा मेहनत करी नहीं हमने और हम इसको रन करके देख लेते हैं। 5 वो एक चीज़ रह गई ना, इंडेल तो लगाया नहीं, अब हर नमस्त चल जाएगा ये प्रोग्राम, तो वो आ गया ना 101010110, तो तुम देख रहे हो ये अपना पैटर्न मस्त यहाँ पर प्रिंट हो गया है। अगर तुम और कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम उस पर फिर से वीडियो आगे बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।